दोस्तों, उससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने खिलाड़ी कुमार की एक और बेहतरीन उपलब्धि को रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करूंगा कि आप भी मेरे साथ खिलाड़ी कुमार को उनके बेहतरीन 30 साल के सफर के लिए बधाई देना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, खिलाड़ी कुमार ने बॉलीवुड में अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। तो खिलाड़ी कुमार, आपने इन 30 सालों में हमें लगातार बॉक्स ऑफिस पर हंसाया है, रुलाया है और समझाया है। और सर, हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप यूं ही आगे अपनी बेहतरीन फिल्मों से हमें हंसाते भी रहिए, रुलाते भी रहिए और समझाते भी रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इन दिनों अक्षय कुमार अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में हैं, जिसका काम वो बैक टू बैक कंप्लीट करते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भैया इन दिनों केवल उनकी आने वाली फिल्मों की ही चर्चा हो रही है, बल्कि उन फिल्मों की भी चर्चा हो रही है जो कि भैया रिलीज होने के बाद भी कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि 2020 में खिलाड़ी कुमार की मच अवेटेड फिल्म यानी कि लक्ष्मी का लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। और भाई, इस फिल्म को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितनी कि इस फिल्म से उम्मीद की जा रही थी। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद ये फिल्म अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड करते जा रही है। तो दोस्तों, आज लक्ष्मी के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि लक्ष्मी में एक गाना था बुर्ज खलीफा, और भाई इस गाने ने अपने नाम एक और नया रिकॉर्ड जोड़ लिया है 2020-2021 के लिए। यानी कि भैया बुर्ज खलीफा एक ऐसा सॉन्ग बन चुका है 2020 के लिए जिसने भैया महज 3 महीनों में ही 200 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है YouTube के प्लेटफॉर्म पे। और इसके साथ साथ इस गाने को अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 250 मिलियन लोगों ने अब तक देख लिया है। तो दोस्तों, हम तो केवल बात करेंगे YouTube के प्लेटफॉर्म की, तो भैया अभी तक इस गाने को YouTube पर कितने लोगों ने देखा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, वो आंकड़ा है 20,13,43,813। यानी कि भैया अब तक इतने लोगों ने इस गाने को YouTube के प्लेटफॉर्म पे देख लिया है। और भाई, इस गाने को YouTube पर जो लाइक मिला है वो है 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख लोगों ने इस गाने को पसंद किया है। और कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि भैया इस गाने को डिसलाइक भी किए हैं। तो दोस्तों, वो आंकड़ा है 2,67,000 का। यानी कि भैया ये गाना 18 अक्टूबर 2020 को YouTube के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था, और भैया अब तक यानी कि 3 महीनों में इस गाने ने अपने नाम 200 मिलियन का आंकड़ा जोड़ लिया है। तो दोस्तों, ऐसे चमत्कार तो खिलाड़ी कुमार यूं ही चुटकियों में कर देते हैं। और भाई, खिलाड़ी कुमार जिस तरीके से इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कई सारी फिल्मों को लेकर आने वाले हैं, उसको देखने के बाद हर कोई यही बोल रहा है कि भाई 3-4 सालों तक तो अभी तक खिलाड़ी कुमार ने खुद को बुक कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में देने के लिए। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से फिर से एक बार खिलाड़ी कुमार को उनके 30 साल के बेहतरीन सफर के लिए बधाई देना ना भूलिएगा। और आपको क्या लगता है, क्या 2020 में कोई ऐसा स्टार है जिसने अपने किसी गाने के माध्यम से यह आंकड़ा छुआ हो? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।